अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन क्रिस्पी फ्राई, वो भी दो इंग्रेडिएंट्स से। तो हमारे पास है चिकन और क्रिस्पी फ्राई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने क्रिस्पी फ्राई को ओपन कर लेना है और इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। एक में हम ड्राई के लिए डालेंगे और दूसरे में हम पेस्ट के लिए डालेंगे। तो ड्राई वाला हमने थोड़ा ज़्यादा रखना है और पेस्ट वाले में थोड़ा हमने कम डालना है। तो पानी की मदद से हम पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और पेस्ट बनाते जाएंगे अच्छे से। तो जो हमारा पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो पेस्ट रेडी हो चुका है। तो देखिए ये बहुत अच्छे से बन चुका है, ना ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अभी हमने चिकन के पीस को हमने डिप करना है पेस्ट में, उसके बाद फिर से हमें डिप करना है ड्राई पाउडर में। फिर से हमने पेस्ट में डिप करना है और फिर से हमने करना है ड्राई पाउडर में डिप। इसी तरह हमने बाकी पीसेस को भी दो दो कोट लगा लेने हैं, ड्राई पाउडर के भी और पेस्ट के भी लगा लेने हैं। तो इस तरह से हमारा चिकन तैयार हो जाएगा। तो सारे पीसेस को हमने अच्छी तरह से कोटिंग कर ली है क्रिस्पी फ्राई की। इसको हम रख देंगे 30 मिनट के लिए फ्रिज में। तो हमारा जो चिकन है वो रेडी हो चुका है बहुत अच्छे से, और साथ ही साथ हमारा जो ऑयल है वो भी हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। और ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है और अभी हम इसके अंदर डालेंगे अपना चिकन। तो चिकन हमने ऑयल के अंदर डाल दिया है और जो आंच है वो हमने हल्की कर लेनी है ताकि चिकन बाहर से बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए और अंदर से कच्चा ना रह जाए, अच्छे से पक जाए। तो हमारा जो चिकन है वो रेडी हो रहा है और हमारा क्रिस्पी चिकन तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।